क्वेश्चन नंबर 7, हमें डिफरेंशिएट करना है अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कैसे करेंगे, एक काम करता हूँ मैं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ई की पावर अंडर रूट एक्स की पावर 1/2, एक ही बात है ना। अब कर लोगे सॉल्व इसे, तो हमें करना क्या होगा, पहले हमें पावर को सॉल्व करना होता है, जो भी पावर है उसे लिख दो आप, 1/2 पावर है, फिर e की पावर अंडर रूट एक्स पावर माइनस वन, मतलब 1/2 माइनस 1 क्या आएगा हमारा, माइनस 1/2 आएगा, तो पावर में क्या आ गया हमारे पास, माइनस 1/2। फिर इनटू में d अपॉन डी एक्स, जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसे हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या है हमारे पास, e की पावर अंडर रूट एक्स है हमारे पास, ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सॉल्व कर लो इसे, ये तो आप ऐसे लिख दो, 1/2 e की पावर अंडर रूट एक्स की पावर माइनस 1/2, तो पावर में नेगेटिव है तो नीचे ले आओ, e की पावर अंडर रूट एक्स की पावर 1/2, एक ही बात है कि नहीं, पावर में नेगेटिव था नीचे आके पॉजिटिव हो गया, इसलिए यहाँ पे 1/2 आ गया। d अपॉन डी एक्स e की पावर अंडर रूट एक्स, e की पावर x को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें e की पावर x ही मिलती है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, e की पावर अंडर रूट एक्स ही मिल जाएगा। फिर हमें क्या करना होगा, जो भी यहाँ पे पावर में है उसे हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा और मल्टीप्लाई करना होगा, है कि नहीं, तो d अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स का तो वैल्यू आ चुकी है पूरी पूरी, है कि नहीं, बताओ। इसे तो सेम टू सेम उतार दो नीचे, 1/2 e की पावर अंडर रूट एक्स की पावर 1/2, तो मैं चाहूँ तो इसको अंडर रूट के अंदर लिख सकता हूँ, चलो बाद में लिख लेंगे। यहाँ पे क्या है, इनटू में e की पावर अंडर रूट एक्स है, और इनटू में e की पावर x अंडर रूट एक्स को करो डिफ्रेंशिएट, इसकी वैल्यू क्या आएगी, d पॉइंट dx अंडर रूट एक्स, मतलब x की पावर 1/2, है कि नहीं, तो हमें क्या करना पड़ता है, पावर लिख दो, 1/2 पावर है, फिर x पावर माइनस 1, मतलब 1/2 माइनस 1, हमें क्या मिलेगा, माइनस 1/2 मिल जाएगा। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1/2 पावर नीचे ले आओ, नेगेटिव है इसलिए, तो पावर 1/2, और इसको चाहो तो ऐसे लिख लो, 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक है, एक ही बात है। तो आप याद भी रख सकते हो कि x की पावर 1/2 का डिफ्रेंशिएशन हमारा 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, ठीक, तो इनटू में लिख दो यहाँ पे 1/2 अंडर रूट एक्स, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब आप चाहो तो ये 1/2 मल्टीप्लाई करके 1/4 लिख सकते हो, ऊपर क्या है हमारे पास, e की पावर अंडर रूट एक्स है, और नीचे क्या है, e की पावर अंडर रूट एक्स की पावर 1/2, 1/2 पावर है, मतलब जो भी अंदर है उसको अंडर रूट के अंदर लिख दो, तो अंडर रूट e की पावर अंडर रूट एक्स। फिर इनटू में क्या है, 1/2 तो मल्टीप्लाई कर चुके हैं हम, बचा क्या यहाँ पे हमारे पास, अंडर रूट एक्स बच गया, तो ये हमारा आंसर है। अगर आपको मैच करना हो बुक से तो इन्हें भी मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, नहीं करना हो तो ये भी सही है, ये भी सही है, कुछ भी लिख दो, ठीक है, डन।